الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں سب سے بڑا گناہ جس چیز کو قرار دیا ہے وہ ہے شرک اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک لظلم عظیم ضرور بالضرور بالضرور بہت بڑا ظلم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ جس کسی نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا شرک ایسے ایک ایسا گناہ ہے جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی اور کو مددگار سمجھنا کسی اور کی نماز پڑھنا کسی اور کے آگے جھکنا
किसी और से उम्मीद लगाना, ये तमाम चीज़ें शिर्क हैं जिनको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वो तमाम जहानों का रब है। रब कौन होता है? पालनहार, पालने वाला, प्रोवाइड करने वाला, तमाम चीज़ें मुहैया करने वाला, ज़िंदगी से पहले, ज़िंदगी के दौरान और ज़िंदगी के बाद हर वक्त का, हर ज़माने का वही रब है, वह परवरदिगार है, वो पालनहार है, वो पालने वाला है, वो रिज्क देने वाला है, वो संभालने वाला है। यहाँ तक तो बात आप सबको पता है। और ये भी अब आप लोगों को, आप में से अक्सर को ये पता चल गया है कि ऐसी तमाम हरकतें करना जो मुशरिकों की हों, उनसे मुशाबहत रखती हों, वो भी शिर्क है। मुजस्मे अपने घरों में रखना, चौकों चौराहों में रखना, कहीं पे भी रखना, किसी भी ज़िंदा चीज़ का मुजस्मा रखना, वो शिर्क की एक किस्म है। हिंदू जैसे तस्वीरें लगाकर उनको हार पहनाकर पूजते हैं, इसी तरह बिला ज़रूरत दीवारों पे तस्वीरें लगाना, वो भी शिर्क की एक किस्म है। इसी तरह डिजिटल मीडिया में बिला ज़रूरत तस्वीर का इस्तेमाल करना, प्रोफाइल पिक्चर पे, कवर फ़ोटो पे पिक्चर्स लगाना बिला ज़रूरत, ये भी शिर्क की एक किस्म है। इसी तरह कोई भी ऐसी हरकत करना, जापानियों की तरह किसी अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकना, जैसे जापानी एक दूसरे के आगे झुकते हैं, ये भी शिर्क की एक किस्म है। ये भी बातें अक्सर आप लोगों को पता चल गई। लेकिन एक सबसे बड़ी शिर्क की किस्म, जिसको इकबाल ने कहा कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है मज़हब का कफन है, कि ये जो ताज़ा ताज़ा खुदा लोगों ने बना लिए हैं, उम्मीदें लगा ली हैं, इनमें बड़ा सबसे वतन है, कि ये जो सरजमीन की, वतन की पूजा की जाती है, ये आज के दौर का सबसे बड़ा शिर्क है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह के बुत बाद में तोड़वाए थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने खाना काबा को, मुसलमानों के किबला को, अल्लाह के घर को मुशरिकों की तहवील से बाद में आज़ाद करवाया था। पहले मुसलमानों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए पहला पैगाम यही दिया कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है मज़हब का कफन है। पहला काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या किया? ईमान लाए, दिल से उन बुतों को गलत समझा, और उनके साथियों को भी ये बात समझ में आ गई कि चाहे खाना काबा के अंदर रख दिए जाएं, चाहे खाना काबा को संभालने वाले, खाना काबा की खिदमत करने वाले शिर्क करने लग जाएं, उन बुतों की कोई अहमियत नहीं है, वो शिर्क में शामिल होंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ये काम किया कि शिर्क को दिल से जाना कि ये शिर्क है, और उससे तौबा की और अमलन उससे हट गए। उसके बाद बुतों को तोड़ा नहीं, उसके बाद खाना काबा को मुशरिकों से आज़ाद नहीं कराया। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये वाला पैगाम दिलवाया, कौन सा? कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चाहे आपके जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हों, चाहे आपके जद्दे अमजद इस्माईल अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एड़ियाँ रगड़ी हों, चाहे यहाँ से अल्लाह ताला ने मौजज़े के तौर पर आब जमज़म जारी कर दिया हो, चाहे सफ़ा और मरवा में आपकी अम्मी जान ने सही की हो, और आज तक
तमाम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए उसको हज का एक रुकन बना दिया गया हो। चाहे यहाँ पर वो काबतुल्ला मौजूद हो जिसकी पहली तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, उसके बावजूद ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। आपने पहला पैगाम लोगों को यही देना है कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है मज़हब का कफन है। पहला काम आप ये करें कि ये जो वतन है, ये जो जगह है, इसको छोड़ के जाएं, ताकि क़यामत तक ये उसूल वाज़े हो जाए कि चाहे वहाँ पे काबतुल्ला मौजूद हो, चाहे आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मौजूद हो, चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मौजूद हो, चाहे इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने पे चश्मा मौजूद हो, चाहे हाजरा अलैहिस्सलाम की सही की सुन्नत मौजूद हो, चाहे अल्लाह ताला का घर काबतुल्ला मौजूद हो, लेकिन उस सरजमीन को छोड़कर लोगों को बताएं कि अल्लाह का काबा अहम है लेकिन वतन की पूजा फिर भी नहीं की जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले उस वतन को, उस इलाके को छोड़कर नए इलाके की तरफ चले जाते हैं और मदीना मुनव्वरा को अपना मस्कन बनाते हैं। सारी ज़मीन अल्लाह की है, जहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह कदम रखते हैं, जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना मस्कन बनाते हैं, वही अल्लाह ताला मदीना तय्यबा करार दे देता है, वही अल्लाह ताला मस्जिद नबी की जगह करार दे देता है, वही अल्लाह ताला रोज़ातुर रसूल की जगह करार दे देता है। ज़मीन के कितने की अहमियत को अल्लाह ताला कम करता है और कहता है कि चाहे अल्लाह ताला का काबा मौजूद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दफ़ा हिजरत कर जाएंगे, वापस आएंगे, फतह करेंगे, लेकिन जाकर रहेंगे फिर मदीना में ही। ये नहीं कि फतह जब मक्का फतह हो गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस आकर वहाँ रहने लग जाए, नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस मस्जिद नबी में जाते हैं, वहीं पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहलत होती है, वहीं पे तमाम सहाबा होते हैं और वही दारुल खिलाफा होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से इंतकाल करने के बाद भी। पहला पैगाम, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है मजहब का कफन है, और ये अल्लाह ताला की सुन्नत बार बार अल्लाह ताला ने करवाई है कि कहीं लोग इस अपनी ज़मीनों को ना पूजने लग जाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहला काम क्या किया था, छोटे से होते हैं कुएं में डाल दिए जाते हैं, हिजरत। फिर हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाकी बेटे भी हिजरत, और फिर जब वहाँ पे अल्लाह ताला हुकूमत दे देता है, वहाँ पे अल्लाह ताला इख्तियार दे देता है, उसके बाद क्या होता है, चलते चलते फिरौन का दौर आ जाता है, अगले नबी कौन आते हैं, दरमियान में गैप है। मूसा अलैहिस्सलाम पहला काम क्या करते हैं, फिरौन को कत्ल करते हैं जाके। फिरौन जो अपनी खुदाई का दावा करने वाला था, क्या उसको उसका शिर्क ख़त्म करते हैं, नहीं, पहले सबसे पहले अपनी कौम को लेकर निकल पड़ते हैं उसी मिस्र में जहां पे अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी थी, वहीं से निकल पड़ते हैं, हिजरत करते हैं। पैगाम क्या देते हैं, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है मजहब का कफन है। किताए जमीन की अहमियत नहीं है, फलसफे की अहमियत है, उसूल की अहमियत है। और फलसफा क्या है, उसूल क्या है, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, अल्लाह के सिवा कोई मुल्क निजात दहिंदा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इंसान निजात दहिंदा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई निज़ाम निजात दहिंदा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई बादशाह, कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान, कोई ताकत, कोई दौलत, कोई खजाना निजात दहिंदा नहीं है। और ये इस वक्त बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दौर है इसके अंदर तमाम तर कौमों और नस्लों को एक एक किताए ज़मीन दे दिया गया है इस दज्जाली निज़ाम के तहत, कि तुम इसके अंदर खुश होते रहो,
करेंसी नोट हमारे चलाओ, ट्रांजैक्शंस हमारे डॉलर्स पे करो, जम्हूरी निज़ाम हमारे कहने के मुताबिक चलाओ, एजुकेशन सिस्टम हमारे कहने के मुताबिक चलाओ, ज़ुबान अंग्रेज़ी हमारी सीखो, और खुश होते रहो कि हमारा आज़ाद मुल्क है, आज़ाद वतन है। और बल्कि ऐसा करो, ज़रा और उसकी पूजा के अंदर चले जाओ, हर एक के लिए लाजिम है कि किसी कोई भी ऐसा ना हो कि जिसके अपने किताए ज़मीन का अपना अपनी एक नमाज ना हो, नऔज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और रोज़ाना बच्चे बच्चे के लिए ज़रूरी हो कि सुबह सुबह उठकर वो नमाज़ पढ़े, पाक सर ज़मीन शाद बाद, कि ये हमारा वतन है, ये हमेशा कायम और दायम रहे, हम इसको पूजा करते हैं, इसकी हम इसी के सजदे करते हैं, इसके लिए हम जान देंगे, इसी के लिए सब कुछ करेंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। चाहे इस मुल्क के अंदर ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो जाए, चाहे इसके अंदर कुफर का निज़ाम हो, चाहे इसके अंदर सूद को हलाल करार दे दिया गया हो, चाहे इसके अंदर सियासतदानों और मौलवियों और पेशवाओं को खुदा बना के पेश किया जा रहा हो, हम इस किताए ज़मीन की पूजा करेंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और यही नमाज सुबह सुबह सऊदीया में भी पढ़ाई जाती है, अफ़गानिस्तान में भी पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान में भी पढ़ाई जाती है, तमाम दुनिया के मुल्कों में पढ़ाई जाती है, नऊज़ु बिल्लाह, कि अपने अपने इस वतन की पूजा सही से कर लो, कि तुम्हें ये लगे कि तुम आज़ाद हो, तुमने अपना वतन बना लिया है, तुम्हारे पास बड़ी ताकत है, तुम्हारे पास बड़ा इख्तियार है, और इसी की खातिर एक दूसरे से लड़ो मरो। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जो इस जिसको अल्लाह ताला ने बनवाया इस नस्ली तजाद और इस नस्ली तफाखुर रेसिज्म से बियॉन्ड, इसके अंदर सिंधी भी बसते, बलोची भी बसते, पठान भी बसते, कश्मीरी भी बसते, गिलगित्ती भी बसते, मुहाजिर भी बसते, उर्दू स्पीकिंग भी बसते, पंजाब भी बोलने वाले भी बसते, सराइकी बोलने वाले भी बसते, लेकिन इसकी पूजा भी करवाई जा रही है जो बार बार नाकाम हो रही है, बार बार नाकाम हो रही है। और इसके अंदर ऐसे खवारिज मौजूद हैं जो कभी पश्तून नेशनलिज्म का नारा लगाते हैं कि हम पश्तून हैं, कभी बलोच नेशनलिज्म का नारा लगाते हैं कि हम बलोच हैं, कभी कश्मीरी नेशनलिज्म का नारा लगाते हैं कि हम कश्मीरी हैं, और उस नेशनलिज्म के नारे लगा के अब वो मजीद अपने अपने वतन डिमांड करने लग गए। ये है वो वतन परस्ती जिसको जितना बढ़ावा दें, जितना बढ़ावा दें, आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप पश्तूनों को अपना मुल्क दे दें तो उसके बाद इसकी क्या गारंटी है कि कुछ अरसे के बाद नई डिमांड आ जाएगी कि हमारे अलग अलग कबाइल की अपनी अपनी सरजमीन होनी चाहिए। अभी वो जो सुबह सरहद में वो जो वाकया हुआ उसमें दो गांव आपस में जंग कर रहे हैं, तो ये जो आज के दौर का एक सबसे बड़ा शिर्क है वो क्या है, वतन परस्ती। और इसी के ऊपर मोटिवेट किया जाता है कि इसकी नमाज पढ़ो कौमी तराने की सूरत में, इसी के ऊपर मोटिवेट किया जाता है कि कौमी तराना पढ़ा जाए तो खड़े हो जाओ। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई उस शख्स के लिए कि जो इस बात को पसंद करे कि उसके आने पर लोग खड़े हो जाए। और यहाँ पे अल्लाह कहता है मेरे लिए खड़े हो, मेरे आगे हाथ बांधो, और ये कहते हैं कि इस वतन की, इस सरजमीन, इस कताए ज़मीन के लिए खड़े हो और इसके तराने पढ़ो और इसकी नमाज पढ़ो। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है मज़हब का कफन है। इस वतन की पूजा को इतना बढ़ा दिया गया है कि ये मज़हब का कफन बन गया। इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी कताए ज़मीन किसी के हवाले कर दी जाए, नहीं, एक इंच क्या, एक सेंटीमीटर क्या, एक मिलीमीटर भी हम ये गवारा नहीं करते कि किसी दुश्मन के हवाले की जाए। हम ये गवारा नहीं करते कि ये जो सरजमीन हमें अल्लाह ने अता किया है इसको हिस्सों बखरों में डिवाइड किया जाए, इसके अंदर कोई रेसिज्म का नारा लगाए, कोई पश्तून नेशनलिज्म का नारा लगाए, कोई बलोच नेशनलिज्म का नारा लगाए, कोई कश्मीरी नेशनलिज्म का नारा लगाए, हम ये बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इसकी नमाजें पढ़ी जाएँ, इसकी पूजा की जाए, इस वतन की इज्जत, इस वतन की तकरीम,
इस सरजमीन की तकरीम ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से है और ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत है और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो सरजमीन जो कता अल्लाह ने हमें अता किया है न सिर्फ वो हमारा है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये कताए ज़मीन जो अल्लाह ने हमें अता किया है इसका एक इंच, एक बालिश्त, एक मिलीमीटर हम गवारा नहीं करते कि किसी के हवाले हो और किसी खवारिज को हम ये गवारा नहीं करते कि इस कताए ज़मीन को अपनी रेसिज्म की बुनियाद पर, अपनी नस्ल परस्ती की बुनियाद पर, अपनी ज़ुबान की बुनियाद पर, अपने किसी तासुब के बुनियाद पर अलग करने की कोशिश करे। उसको खवारिश समझते हैं, उसका सर तन से जुदा समझते हैं, लेकिन हम इस कताए सर, इस कताए ज़मीन पे महदूद भी नहीं है। जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह वही सर ज़मीन हमारी, जहां पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही वतन हमारा। और इस उसूल के तहत ये सरहदें हर उसे के लिए खुशामदीदी होनी चाहिए, हर उसे के लिए वेलकमिंग होनी चाहिए जो इस उसूल को मानता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके लिए कोई पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई वीज़ा नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई नेशनैलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। उस उसूल के तहत दुनिया में जहाँ कहीं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं उन सब का वतन यही है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा हम ये तो गवारा नहीं करते कि जब पाक सरजमीन पड़ा जा रहा हो तो खड़ा होना लाजिम करार दिया जाए। हम ये तो गवारा नहीं करते कि इस वतन की नमाज पढ़ी जाए, लेकिन हम ये भी गवारा नहीं करते कि इस वतन की कोई तोहीन करे, इसकी कोई मट्टी चुराने की कोशिश करे, किसी तासुब की बुनियाद पर इसका कोई हिस्सा बकरा अलग करने की कोशिश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहली बैतिही अजमाईन।